स्वास्थ्य कर्मियों ने वेतन कम मिलने की वजह से आज सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही मामले की शिकायत मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से की। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि जब शासन ने उन्हें नियुक्त किया है तो उनकी तनख्वाह का जिम्मा आउटसोर्स कंपनी को क्यों दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है और वह भी बहुत कम। इस मामले में इन स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से मामले की शिकायत की। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ प्रवीण जड़िया ने बताया कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को आउटसोर्स कंपनी द्वारा रखा गया था। इनको एक कुशल कर्मचारी के रूप में रखा गया था, जिनका वेतन कंपनी ने नहीं किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ प्रवीण जड़िया ने तुरंत कंपनी को आदेश देकर वेतन करने का कहा। अगर कंपनी वेतन नहीं देती तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हम आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, यहाँ पर 3 महीने से वर्किंग कर रहे हैं कोविड में, जहाँ अभी तक हमारी सैलरी यहाँ से ट्रांसफर नहीं की गई है। कल बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर यहाँ पर हमने सैलरी के लिए आगे बात करी तो उन्होंने हमारी सैलरी 10,185 है, उसमें से हमें सिर्फ 3600 रुपये ट्रांसफर करें। और जब भी फोन लगाओ सैलरी के लिए यहाँ भी सभी से बात कर ली, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जिनमें हमको सुबह 9 बजे से आते हैं, रात को 12-12 बजे तक काम करवाया जा रहा है, पर सैलरी देने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ संविदा कर्मचारी हैं जिन्हें ऑपरेटर्स के रूप में रखा गया था, इनकी वेतन में कुछ विसंगतियां थी। इनको आउटसोर्स कंपनी के द्वारा रखा गया था और शायद कुछ कन्फ्यूजन की वजह से इनको वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था। कल ये मेरे समक्ष में आए और इनकी समस्त जो विसंगतियाँ थी इनका निराकरण कर दिया गया है। इनको जब रखा गया था तब इनको एक कुशल या मार्ग कुशल कर्मचारी के रूप में रखा गया था, श्रमिक के रूप में, और बाद में इनका परिवर्तन करके अर्ध कुशल कर दिया गया था, इसलिए इनका मानदेय कम हो गया था। मानदेय का जो अधिक राशि थी उसकी भी कटौती एजेंसी जारी करके इनको दिया गया था, तथा कुछ माह से इनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। कल इनकी समस्त अटेंडेंस लेकर संस्था को दे दी गई है और उसे निर्देश दे दिए गए कि तत्काल ही इनकी वेतन जारी कर दी जाए।